फ्सा कॉन्टेट डेफिनेशन ऑफ़ फूड चेंज डेट्राइटस फूड चेन्स, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन्स. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसको प्रॉपर डिफाइन करते फूड चेंज इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम विद एन इकोसिस्टम थ्रू विच इनर्जी ट्रेवल्स इन इसको अगर हम देखिए तो एक फूड चेन क्या है बेसिकली इको के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का जिसमें एनर्जी जो है वो ट्रैवल करेगी फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू सेकेंड फ्राम सेकेंड टू थर्ड थर्ड टू फोर्थ फोर्थ टू द फिफ्थ से सीक्वेंस में एनर्जी जो है वो ट्रैवल करेगी फूड चेन का कंसेप्ट जो है ये बड़ा कॉमन है जब भी हम इसको इकोलॉजी को पढ़ते हैं इको को पढ़ते हैं तो उसके अंदर फूड चेन और फूड वेब का हम कंसेप्ट जो है वो पढ़ते हैं यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस वन एक बड़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन हमारे पास आएगी फूड चेन की दैट इज़ द इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ईटिंग एंड बीइंग ईटन तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम है का सीक्वेंस है जो फूड चेन हमारे पास है जिसमें एक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे को खाएंगे और फिर वो आगे वो किसी का जो है वो शिकार बनेंगे तो वाट इज़ हैपनिंग जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसका रिजल्ट ये होगा कि जब एनिमल्स एक एनिमल दूसरे को खाएगा तो जो दूसरे की एनर्जी जो है वो पहले को मिलेगी और फिर ये जब किसी और का शिकार बढ़ेंगे तो इसकी एनर्जी किसी और को जा वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इस इको के अंदर बेसिकली अगर हम किसी भी इको के अंदर देखते हैं तो इस इको सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ट्रैवल ऑफ या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स कि मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और एनर्जी जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है तो फूड चेंज बेसिकली ये इसको यानी कि बता रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या एक ऑर्गेनज से दूसरे ऑर्गेजम को ट्रांसफ़र हो रही होती है फूड आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स फूड चेन के दो बेसिक टाइप्स हैं द फर्स्ट वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द सेकेंड वन इज द डेट्राइटस फूड चेन अब ये दोनों टाइप्स जो हैं ये बेसिकली इनका जो कैटेगरी की कैटेगराइज किया गया है वो किया गया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सो ग्रेजिंग फूड चेन्स ऐसी फूड चें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ग्रीन प्लांट्स हैं सो दो फूड चेन्स चेंच स्टार्ट विद द प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स दे आर कॉल्ड द ग्रेजिंग फूड चेन्स इसके एग्जाम्पल हमारे पास जैसे मैं तो क्योंकि एक, एक, एक एनिमल है एक उसको ग्रासेस जो हैं ग्रासेस को, है, ग्रासे को जो है वो इंसेक्ट्स खा रहे हैं तो ग्रासेस को इंसेक्ट खा रहे हैं इंसेक्ट को आगे फ्रॉक खा रहा है फ्रॉक को आगे जो है वो स्नैक खा रहा है स्नक को आगे और एनिमल खा रहा है तो इस तरह से ये एक सिक्वेंस बनेगा जो फूड चेन बनेगी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो दैट वॉज एक्चुअली द ग्रासेज इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे इट इज़ द ग्रेजिंग फूड चेन है इस तरह से बहुत सारी ज़्यादातर जो फूड चेन्ज इको के अंदर है वो ग्रेजिंग फूड चेन्ज होती हैं जैसे हर भी वोर जितने भी है जैबराज ग्रासेस को खा रहे हैं जैबरा के आगे फिर लाइन या टाइगर खा रहा है तो इस जो है वो अब फूड चेन की जो लेंथ है वो भी वेरी करेगी जैसे अभी दो एग्जांपल मैंने दी हैं पहले वाली फूड चेन में ग्रासेस देन इंसेक्ट्स फ्रॉग स्नैक और उसके बाद आगे उसका माइंड पॉसिबिलिटी विल बी आउल या कोई और एनिमल हो सकता है सो so, ये एक फूड चेन है जिसकी लेंथ ज़्यादा है जबकि इसके मुकाबले दूसरी फूड चेन जैसे मैंने बताई आपको ग्रासेस ग्रासेस टू जैबरा एंड जेबरा टू द लाइन ये जो है शॉर्ट फूड चेन तो इसकी लेंथ जो है वो क्या करेगी वेरी करेगी बट द मेन थीम इज एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द फूड चेन के फूड चेन के अंदर एनर्जी जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है सो फिर इन दिस डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की ग्रासेस ग्रासेस को इंसेक्ट्स खा रहे हैं ग्रासपर है दिस इज़ बीग इटन बाय द फ्रॉक फ्रॉक इज बेंग इटन बाय द स्नैक एंड स्नैक इज बेंग इटन बाय द हॉक और सम अदर एंड बर्ड्स जो इसको जा वो क्लियर खा रहा है तो इस तरह से ये अब इसमें हो क्या रहा है कि एनर्जी जो है वो ग्रासेस से ट्रेवल करेगी इंसेक्ट्स तक एनर्जी जब इंसेक्ट्स को फ्रॉक खाएगा तो एनर्जी फ्रॉक में आ जाएगी फ्रॉक से एनर्जी स्नैक में जाएगी और स्नैक से एनर्जी जो अल्टीमेटली जाओ जहाँ आगे हॉक की तरफ जाए अब जब एनर्जी ट्रैवल करती है तो एनर्जी लाजमी तौर पर हर स्टेप के ऊपर बहुत सारी एनर्जी वेस्ट भी होती है जो हीट के फॉर्म में निकल जाती है सेकेंड टाइम ऑफ फूड चेन जो है दैट इज द डेट्राइटस फूड चेन अच्छा डेट्राइटस फूड चेन एक ऐसी फूड चेन है जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है दैट इज़ द डिकेइंग मटेरियल ग्रीन प्लांट्स नहीं है बल्कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है डिकेइंग मटेरियल से स्टार्ट हो रही है तो डिकेइंग मटेरियल से जो फूड चेन स्टार्ट होगी वो हमारे पास क्या आगे उसको हम डेट्राइटिस का नाम देंगे अब इसके एग्जाम्पल कौन सी हमारे पास है इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लूँ कि जैसे हमारे पास आ, डिकेंग मटीरियल उसके ऊपर बैक्टीरिया मौजूद हैं उन बैक्टीरिया को बहुत सारे प्रोटोजोआ खा रहे हैं उन प्रोटोजन को बहुत सारे आगे लार्वी खा रहे हैं उन लार्वी को आगे फिर उसके बाद आगे जो है वो बड़े जो फिशेस या बाकी चीज़ें खा रही होती हैं इस तरह से ये बाकायदा कि एक सीक्वेंस जो बनेगा अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डेट्राइटस था बैक्टीरिया जिसको खा रहे थे वो क्या था डेइंग मटेरियल था तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे ये डेट्राइटस फूड चेन है इवन ह्यूमन तक भी एक डेट्राइटस फूड चेन आती है वो है मशरूम्स जो मशरूम्स हम खाते हैं ये बेसिकली मशरूम जो है फंगस है तो मशरूम्स बेसिकली दे यूटिलाइज द डिकेंग मटेरियल इन द सॉइल तो सॉइल के अंदर जो डिकेइंग मटेरियल उसको मशरूम यूज करती हैं और उस मशरूम को फिर ह्यूमन एज अ डाइट जो है वो यूज़ करता है दिस इज आल्सो द डेटराइटस फूड चेन है तो so, सिंपल्ली जब स्टार्टिंग पॉइंट डिटिकेइंग मटीरियल होगा डिकेंग मटीरियल से स्टार्ट होने वे फूड चेन जो इट विल बी द डेट्राइटस फूड चेन सो हेर दिन इस डाइग्राम आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डिकेइंग डेड लीव्स हैं डेड लीव्स को वुड लाउस खा रहा है और वुड लाउस को आगे फिर क्या कर रहा है कि ब्लैक बर्ड खा रहा है तो दिस इज द फूड डेट्राइटस फूड चेन ये वो डेटराइट फूड चेन है अगर यहाँ डेड लीव्स की जगह ग्रीन लीव्स होते तो ये फिर कौन सी होनी थी ये ये फिर ग्रेजिंग फूड चेन बन जानी थी सो वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन फूड चेन की इंपॉर्टेंस क्या है फूड चेन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है कि बाई वर्च्यू ऑफ फूड चेन एनर्जी ट्रेवल फ्राम वन एनिमल वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म अगर फूड चेन नहीं होगी तो एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक और उससे आगे जाओ ट्रैवल नहीं करेगी वट इज़ द बेनिफिट टू अस हमें फूड चेन को स्टडी करने का बेनिफिट क्या है फूड चेन को स्टडी करने के देआर थ्री इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स नंबर वन बाय स्टडी फूड चेन वी कैन अंडरस्टैंड द इंट्रेक्शन बिटवीन द आर्गनिज्म कि एक ऑर्गेनिजम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इससे हमें जो वो इसका जो वो आइडिया होगा सेकेंड वन मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन को स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी का मैकेनिज्म क्या है कैसे एनिमल जो होते हैं उसमें एनर्जी है, one, जो है वो ट्रैवल करिए इक्ो सिस्टम के अंदर एंड थर्ड वन बहुत सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें एक बायोमैग्नीफिकेशन है बायो मैगनीफिकेशन कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का एक्मुलेट होते चले जाना तो जो बायो मैग्नीफेसन का प्रोसेस है अगर हमें फूड चेन का पता है तो फिर हम बायो मैग्नीफेसन को समझ सकते हैं जैसे अगर किसी फिश के अंदर टॉक्सिक या मेटल या कोई ऐसी जो पॉइजनस मेटल जो है वो जमा हो रही है या कोई कंपाउंड जमा हो रहा है तो एक्चुअली वो फिश किसी ऐसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही है जहाँ से वो टॉक्सिक मटेरियल जो उस तक पहुँच रहा है तो अगर हमें फ़ूड चेन का पता होगा तो अल्टीमेटली हमें फिर समझ चल जाएगी कि जो बायोमैग्रिफिकेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है